हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आई हूँ आप सभी के बीच लेके एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल कर के आ रहा है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, कंप्यूटर संगणक रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल वे में बताने वाली हूँ कि इसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट, साथ ही साथ आपको एग्जाम की डेट, एग्जाम पैटर्न, सारे कुछ आपको डिटेल वे में बताऊंगी। तो अगर आप भी इस जबरदस्त जॉब को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आउट हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर संगणक के टोटल सीट्स आपका 583 रहने वाला है। तो इस सीट्स को ना आपको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चलिए बता देती हूँ आपको, नॉन शेड्यूल्ड एरिया में आपको 512 सीट्स रहने वाले हैं एंड आपका शेड्यूल्ड एरिया में आपका 71 सीट्स रहेगा। मतलब ओवरऑल 583 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है, मतलब आपका 12th of July से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 10th of August 2023 रहने वाला है। अब बता दूं फ्रेंड्स कि इस फॉर्म की जो फी है वो आपको जनरल ओबीसी के लिए आपका 600 है, ओबीसी एनसीएल एंड एससी एसटी के लिए यहाँ पे आपका 400 रहने वाला है। एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st जनवरी 2024। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स रहने वाला है एंड रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड रूल्स, जो भी होगा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, यूपी, तो आप लोग एज अ जनरल इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी प्रकार का भी वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब बारी आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 110% एलिजिबल रहने वाले हो। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमाइंडर, मतलब कि आपका एग्ज़ाम का डेट। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की भी अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि आपका 14th of October 2023 को ये पेपर कंडक्ट कर लिया जाएगा। सो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको सिलेक्शन की प्रोसेस बता देती हूँ। तो आपका सिलेक्शन जो है वो आपका मेजर 3 स्टेज पे आपका डिपेंडेबल है। फर्स्ट आपका रिटेन एग्जाम होता है, देन आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जाम की पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है 100 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा और एंड आपका जो टाइम होता है ना एग्जाम का वो 2 आवर्स का रहने वाला है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का एंड ये आपका OMR एग्जाम होता है, मतलब पेन पेपर बेस्ड आपका रिटेन ऑफलाइन एग्जाम होगा। और जो फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम होगा ना वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए रहेंगे, पार्ट बी में आपको स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल आपकी एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। एंड ऑब्वियसली राजस्थान का एग्ज़ाम है तो आप कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपको राजस्थान में जाके ही इसका एग्ज़ाम को देना होगा एंड जॉब की लोकेशन ऑब्वियसली राजस्थान में ही रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो मेरे पास ये एलिजिबिलिटी है, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट किया, मैंने क्वालिफाई कर लिया, तो मुझे इन हैंड सैलरी क्या मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पे मैट्रिक्स लेवल 8 का आपका जो है ग्रेड पे रहता है।
बेसिक पे यहाँ पे मेंशन किया गया कि 26,300 आपका पर मंथ करेगा, मतलब ये बेसिक पे है। यहाँ पे आपको अच्छे खासे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स, मैंने जो भी डिटेल आपको बताए हैं, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कंप्यूटर सघनक रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, मैं आपकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करने की कोशिश वहीं पे करूंगी। अदरवाइज आप और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, और फिर फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करके वहाँ पे भी अपने क्वेरीज के सॉल्यूशन ले सकते हो। तो इन सारे चीज़ का लिंक आपको है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जाओ जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी फ्रेंड्स आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी नई नई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। सो मिलती हूँ आप सभी से फिर से किसी जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।